हाय गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सभी उपन्यासों की रचना करने वाले हैं, यानी कि हिंदी साहित्य की जितने भी प्रमुख उपन्यास हैं उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल उपन्यासों की रचना करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य से संबंधित है और हिंदी साहित्य में उपन्यासों से संबंधित है, ठीक है ना। जो हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए UPTET PSET जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में ये पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं और हम देखते हैं हिंदी जगत के प्रमुख उपन्यासों को। तो हम देखते हैं सबसे पहले श्रद्धाराम फिलोरी, ठीक है ना। इधर वाले उपन्यासकार और इधर उनके उपन्यासों के नाम हैं। तो श्रद्धाराम द्वारा लिखा गया, फिलोरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है भाग्यवती, ठीक है ना। अगला है लाला श्रीनिवास दास, तो इन्होंने परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा, ठीक है ना। अगला उपन्यासकार है बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान उपन्यास लिखा। यदि ये पूछ ले कि सौ अजान एक सुजान उपन्यास किसने लिखा तो उसका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। अगला है पार्थेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की, जिसमें पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, देवकी नंदन, ठीक है ना। तो देवकी नंदन खत्री है, ठीक है ना, उपन्यासकार है। तो हरिश्चंद्र जी द्वारा इसमें दो ही उपन्यासों को लिया गया है। अगला है देवकी नंदन खत्री, तो इनका चंद्रकांता बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर उपन्यास है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ, ये इनके उपन्यास है, ठीक है ना। अगला उपन्यासकार है मेहता लजाराम शर्मा, ठीक है ना। तो इनके द्वारा लिखा गया है धूर्त रसिकलाम, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया प्रणयिनी परिमाए, ठीक है ना, परिणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, ठीक है ना, मल्लिका देवी वा पसंग सरोजनी अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्रावा, शाही हलसरा, ठीक है ना, ये इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। अगला है गोपाल सराय गहमरी, तो इनके द्वारा अद्भुत लाश, अद्भुत खून और खूनी कौन, इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया। इसके बाद आता हरिओत जी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, इनके उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाट तथा अत किला फूल, ठीक है। यदि ये पूछ ले ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास किसने लिखा तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, हरिओत उनका सरनाम है, ठीक है ना। उसके बाद आता है जगमोहन सिंह, श्यामा सोप्र, ठीक है ना, इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया। उसके बाद आता है पंडित गोरीदत्त, तो इनके द्वारा देवरानी जेठानी की कहानी ये लिखा गया, ठीक है ना। सियाराम शरण गुप्त, तो इनके द्वारा गोद, नारी और अंतिम आकांक्षा, ठीक है ना। उसके बाद आता है देव शिव पूजन सहाय, ठीक है, तो इनके द्वारा देहाती दुनिया ये उपन्यास ये लिखा गया है। इसके बाद आता है ऋषभचरण जैन, तो इनका है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यायुग, ठीक है ना, और रहस्यमयी, इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद अगला है भवानी प्रसाद, पतिता की साधना, चंदन और पानी, त्यागमयी, ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, बहुत फेमस इनके जो भी उपन्यास है बहुत फेमस है। इनका है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्बला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रह गए क्योंकि उनकी मृत्यु होने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद आता है जयशंकर प्रसाद, इनके जो जितने भी उपन्यास हैं उनको आप एक बार रख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि इनके जितने भी उपन्यास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती जो अधूरा रह गया था, ठीक है ना, निराला के अप्सरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है ना, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, पंत यानी सूर्य सुमित्रानंदन पंत जी के है हार, इनका एक ही उपन्यास है हार, राधिका मरण प्रसाद सिंह,
तो इनका है राम रहीम, ये उपन्यास है, ठीक है ना। उसके बाद आता है इलास चंद्र जोशी, इनके भी बहुत ही फेमस उपन्यास हुए हैं। तो इनके पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सुबह के बले, भूत का भविष्य, ठीक है ना। उसके बाद आता है जयेंद्र कुमार जी, तो इनके परख, त्यागमय, कल्याणी, सुनीता, सुखदा और मुक्ति बोध, ठीक है ना। उसके बाद यशपाल जी के, इनके उपन्यास है दिव्या अमिता, झूठा सच, दो भाग, ठीक है ना, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी, उसके बाद 12 घंटे। उसके बाद आता है अश्क, अश्क जी अब अच्छी तरह से जानते हुए, 12वें का एक पाठ भी आया था, ठेले पर हिमालय, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। अश्क जी, इनके गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आँखें, गरम राख, एक नन्ही दनील, पत्थर अल पत्थर, ठीक है ना। उसके बाद आता है अमृतलाल लागर, इनका एक 12वीं में एक उपन्यास भी था, मानस कांस, ठीक है ना। अमृतलाल नागर के सुहा के नूपुर, चतरंज के मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, ठीक है ना। मानस कांस, नवाबी मंसद, सेठ पांक्यमल, बिखरे तिनके, महाकाल, पूक, एकदा, निशिमचरणे, गंजन नयन, करवट, ठीक है ना, ये उनके उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट जी के सागर लहरे और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, नए मीर, दो पंछी, दो अध्याय, ठीक है ना। भगवती चरण वर्मा जी, इनके उपन्यास है त्रिलेखा, समही, नचावत, ठीक है ना। राम गोसाई, 3 वर्ष, बुले विशेष चरित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बात, सामर्थ और सीमा, आखिरी दांव। वृंदावन लाल वर्मा जी, इनके उपन्यास है मृगनयनी, झांसी की रानी, ये देखिए झांसी की रानी इनका एक उपन्यास है, ठीक है ना। तो कहीं पूछ ले कि झांसी की रानी उपन्यास कौन है, तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान मत लिख देना, कि वो तो एक कविता है और ये उपन्यास है, ठीक है ना। वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, अहिल्याबाई, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के है, वैशाली की नगरवधु, धर्मयुग, अपराजिता, नर्मेद, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षाम, आत्मदाह, ठीक है ना। उसके बाद है राहुल संतक्रियन जी, इनके भी बहुत फेमस उपन्यास हुए हैं, सेन सेनापति, जय येधे, वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों से देश में, शैतान की आंखें और मधुर स्वप्न, ये इनके प्रमुख उपन्यास हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, देखिए इनके बहुत बार पूछा जाता है, और जीवन परिचय में भी आप लिख सकते हैं उनकी आत्मकथा, नहीं क्या ना, उपन्यास, ठीक है। तो इनके उपन्यास देखिए आप, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, ठीक है ना। और उग्र जी, ये देखिए उग्र जी की है दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बधुआ की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत, बहुत ज़बरदस्त उपन्यास है, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के 4 दिन, रांगे राघव, मुर्दों का टिल्ला, कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा हरो, विषामदय, लक्की माँ की आँखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे की जुगनू, ठीक है ना। ये देखिए रेणुका, उनकी ये देखिए मेला अंचल, जुलूस कितने चौराहे, प्रति परिकथा, उल्टू बाबा रोड, मरोप्रांत प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। नागार्जुन जी, इनके भी बहुत फेमस उपन्यास है, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, नए पौधा, उग्र तारा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंशी पांख, ठीक है ना। राजेंद्र राघव की उपन्यास देखिए, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शव और मात, मंत्र बिद, अनदेखे अनजाने पुल। धर्मवीर भारती जी की देखिए, ठेले पर हिमालय, 12वीं में आया था इनका पाठ, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी आ गए हैं हमारे, तो इनके उपन्यास देखिए, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और ये गजानन माधव, मुक्ति बोध जी देखिए, विपात्र, डॉक्टर द्वारका प्रसाद, केरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेगी, ठीक है ना, ये मम्मी वाला, ठीक है ना, अलग है। विष्णु प्रभाकर जी की उपन्यास देखिए, निशिकांत, ठीक है ना, और तट के बंधन, अर्धनिशाश्वर, स्वप्रमयी। नरेश मेहता जी की देखिए, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, अब पथ बंधु था, उत्तर कथा, ठीक है ना। रामेश्वर राज शुक्ल अंचल, इनके उपन्यास चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। कमलेश्वर जी की 157 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम तक, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान प्रभाव, ठीक है ना। ये प्रभाकर माचवे जी के उपन्यास देखिए, परंतु, साया, द्वावा, दर्द के पेबंद। मोहन राकेश के देखिए, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीले बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, अंतराल। निर्मल वर्मा जी के उपन्यास देखिए, वे दिन, लालटेन की खत, छत, रात का रिपोर्टर, एक तितड़ा सुख, अंतिम अरण्य, मनु भंडारी, महाबोझ, आपकी बंटी, एक इंच मुस्कान,
मार्कंडेय, मार्कंडेय की सेमल का फूल, उषा प्रियवंदा, 55 खंबे लाल दीवारे, रुकोगी नहीं राधिका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के सोया हुआ जल, पागल कुर्तो का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा डूरते हुए रंग, ठीक है ना, भीष्म साहिनी के उपन्यास, तमस चरों के कड़िया, बसंत, मयामदास की माही, शरत चंद्र देवदास, देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास जो आप देख रहे हैं, देवदास एक उपन्यास है जो शरत चंद्र जो चटर्जी उनके द्वारा लिखा गया है, और देवदास एक फिल्म भी बनी चुकी है सन 2002 में, सुपरस्टार शाहरुख खान की एक फिल्म है देवदास, बहुत ही फेमस फिल्म हुई थी और बेहद ही फेमस उपन्यास है देवदास, इसी पर आधारित वो शाहरुख खान की फिल्म है, ठीक है ना। श्रीकांत चरित्रहीन गृदा परिणीता पद के दावेदार, नरेंद्र कोहली दीक्षा अवसर युद्ध की ओर अभिज्ञान, ठीक है ना। शानी जी द्वारा लिखा गया कालाजल सांप और सीढ़ी नदियाँ और सिपिया, राहिम मासूज रजा, आधा गांव सीन 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंद, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, श्रीलाल शुक्ल द्वारा राग दरबारी, सीमाएं टूटती है आदमी का जहर, अज्ञातवास, हरिशंकर प्रसाद जी के देगी उपन्यास, रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, लक्ष्मीकांत वर्मा टेराकोटा, खाली कुर्तों की आत्मा, कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज, कोयल और आवृत्तियाँ, श्रीकांत वर्मा दूसरी बार यह इनको उपन्यास, ठीक है ना। राजकमल चौधरी मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, ठीक है ना, शहर था शहर नहीं था, देखिए लक्ष्मीनारायण लाल वर्मा का लाल का ये देखिए, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूल का पौधा, हरा समंदर, गोभी चंदर, ठीक है, धरती की आँखें, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी, मनोहर शर्मा जोशी के उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, स्वप्न नेताजी कहीं क्या, देवराज की देखिए, पद की खोज, अजय की डायरी, मैं वे और आप, रोड़े और पत्थर, कृष्णा साथी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, हम शशमत, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तार के बिछुड़ी, दिलो दानिश, महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स, गिरिराज किशोर, यथा प्रस्तावित, ढाईगर, चिड़ियाघर, साहब मात्राएं, मणि मधुकर के देखिए, सफ़ेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दिरीजे, मंजूर भगत,